इस इंट्रो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लूंगा और यहाँ पे किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड में इस तरह से ऐड कर लूंगा। उसके बाद मैं एक इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा, इसको रिसाइज कर लेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे और उसके बाद मैं कलर फिल्टर में जाके मोनोक्रोम सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है M10 उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मैं लेयर्स में जाके एक बैकग्राउंड ऐड करूंगा और इसका कलर मैं वायोलेट कर लूंगा और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मल्टीप्लाई सिलेक्ट करूंगा और ओपेसिटी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूंगा। अभी मैं इसका एक स्नैपशॉट लेके उसको ऐड एज ए लेयर करूंगा। ये देखिए नया लेयर ऐड हो चुका है और उसके बाद मैं इमेज एंड सॉलिड लेयर को डिलीट कर दूंगा। अभी हम यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेंगे। म्यूजिक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके म्यूजिक को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। म्यूजिक को पहले ऐड करना ज़रूरी है, तभी हम म्यूजिक के बीट के अकॉर्डिंग एडिट कर पाएंगे। अभी मैं यहाँ पे टैक्स ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम ही ऐड कर लेता हूँ, नो इन शॉर्ट। ये देखिए इसको रिसाइज कर लेंगे। फॉन्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड रखूँगा और कलर वाइट ही रखूँगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉन्ट एंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस टैक्स का मैं इन एनिमेशन रखूँगा, एंटर स्लाइड राइट, और एनिमेशन का स्पीड मैं एडजस्ट कर लूँगा। अभी मैं जहाँ पे ये इन एनिमेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे अपने प्लेहेड को लाऊंगा और वहाँ पे मैं फिर से एक स्नैपशॉट लेके उसको ऐड एज ए लेयर करूँगा। ये देखिए एक नया लेयर आ चुका है और उसके बाद मैं टेक्स्ट एंड इमेज लेयर को इस तरह से ट्रिम कर लूँगा और नया जो स्नैपशॉट मैंने एज ए लेयर ऐड किया उसको रिसाइज कर लेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। अभी मैं पहला लेयर सिलेक्ट करूँगा और क्रॉप ऑप्शन में जाके इस तरह से मैं क्रॉप कर लूँगा बिल्कुल टेक्स्ट के बीचों बीच और उसी तरह से मैं जो दूसरा लेयर है उसको मैं ऑपोजिट तरफ से क्रॉप कर लूँगा। अभी मैं फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा और उसको इस तरह से मैं एनिमेट करूँगा, ये देखिए, और उसी तरह से मैं सेकेंड लेयर को भी सिलेक्ट करूँगा और उसको भी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से एनिमेट कर लूँगा। यहाँ पे आपको एनिमेट करते समय फर्स्ट लेयर का जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके एनिमेट करना है ताकि दोनों लेयर बिल्कुल सिंक्रोनाइज रहें। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सेकंड इमेज ऐड कर लूँगा और उसके बाद फर्स्ट इमेज की तरह ही इसको मॉडिफाई करूँगा। इसका स्नैपशॉट मैंने ले लिया है और अभी मैं फोटो एंड उसके ऊपर जो सॉलिड लेयर था उसको मैं डिलीट कर दूँगा। अभी मैं क्रॉप किया हुआ टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और दोनों को मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा, दोनों सामने की तरफ आ चुका है और अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन या इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद प्लेहेड को मैं रीपोजिशन कर लूंगा जहां पे ये फर्स्ट एनिमेशन खत्म हो रहा है और वहां पे मैं अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। यहां पे मैं काइन मास्टर ऐड कर देता हूं और इसको भी मैं इन एनिमेशन करूंगा, एंटी स्लाइड लेफ्ट, और उसके बाद मैं एनिमेशन का स्पीड एडजस्ट कर लूंगा। अभी मैं यहाँ पे थर्ड इमेज ऐड करूंगा और उसको भी मैं पहले दो इमेज की तरह मॉडिफाई कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे टैग्स ऐड करके इसका एक स्नैपशॉट लूंगा और उसको एक लेयर की तरह प्रोजेक्ट में ऐड कर लूंगा। करने के बाद मैं अनवांटेड जो लेयर्स हैं वो डिलीट कर दूंगा और उसको रिसाइज कर लूंगा। उसके बाद इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मैं कुछ इस तरह से क्रॉप करूंगा। फिर मैं सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करूंगा और उसको भी इस तरह से सेकेंड हाफ में क्रॉप कर लूंगा। अभी दोनों लेयर्स में मैं इन एनिमेशन ऐड करूंगा। पहले लेयर में मैं इन एनिमेशन रखूंगा, एंटर स्लाइड लेफ्ट, और उसका स्पीड मैं एडजस्ट कर लूंगा और उसी तरह से सेकेंड लेयर का मैं एनिमेशन रखूंगा, एंटर स्लाइड राइट, और उसका भी स्पीड मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फोर्थ इमेज ऐड करूंगा और थर्ड इमेज की तरह कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ पे रिपीट करूंगा। रिपीट करने के बाद मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लूंगा और उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मैं कुछ इस तरह से उसको क्रॉप कर लूंगा और उसी तरह से सेकेंड लेयर को भी मैं क्रॉप कर लूंगा। और यहाँ पे थर्ड फोटो में मैंने जो इन एनिमेशन यूज किया था उसका ऑपोजिट इन एनिमेशन में यहाँ पे ऐड करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट लेयर के लिए मैं इन एनिमेशन रखूंगा, एंटर स्लाइड राइट, और सेकेंड लेयर के लिए मैं एनिमेशन रखूंगा, एंटर स्लाइड लेफ्ट। तो मेरा इंट्रो एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अभी प्ले करके देखते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।